राज्य के प्रथम नागरिक से लेकर मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र से ही सरकार चलाते हैं, इसीलिए इस सीट को और इस क्षेत्र को सबसे वीवीआईपी इलाका कहा जाता है। आखिर सिविल लाइंस में क्या है जनता का मूड और क्या है वहां का एग्जिट पोल, चलते हैं इसी सिविल लाइंस क्षेत्र में और जानते हैं कि आखिरकार क्या मूड है सिविल लाइंस की क्षेत्र की जनता का। जयपुर में इस समय रोजगार का सबसे बड़ा जो अवसर है वो है ई रिक्शा, यानी कि बैटरी ई रिक्शा। इस ई रिक्शे के लिए जगह जगह से यहाँ पर जो लोग हैं वो हसनपुरा में परचेज के लिए आते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, सिविल लाइंस में भी बहुत से लोग जो हैं इसे रोजगार के अवसर मिलते हैं। आखिरकार यहाँ के लोगों को किस तरीके से रोजगार मिल रहा है और क्या जनता का मूड है इस बार, आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले क्या लगता है, विधानसभा क्षेत्र में आपके क्षेत्र में काम हुआ है पिछले 5 साल के बात करें तो? बिल्कुल हुआ सर, बिल्कुल हुआ। ई रिक्शा की बात करें तो ये कितना सफ़र हम सफ़र में बदल गया है लोगों को? बहुत बहुत ज़्यादा बदल चुका है, सबको रोज़गार बढ़िया मिल चुका है, बहुत अच्छा रोज़गार मिल चुका है। वाकई मिल रहा है रोज़गार? सर बढ़िया है ई रिक्शा रोज़गार, बढ़िया। 10 रुपये में आदमी कहीं भी जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है। अब ऑटो करेगा 100 रुपये लगते तो वो 100 रुपये वाला सिस्टम हट गया, मतलब 10 रुपये में अपना काम वापस कर सकता है आदमी, तो बेस्ट। बिल्कुल हम सफ़र बन गया है, मतलब ये बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सबसे मेन साधन भी अच्छा मिल गया और किसी को भी कहीं भी जाना हो ई रिक्शा इजीली मिल जाता है और 10 रुपये 20 रुपये में कहीं भी आप चल जाओ और जाके आ जाओ। और बढ़िया है, साधन भी अच्छा है और मेंटेनेंस भी कम है और काफ़ी ठीक है बेरोजगार लोगों के लिए, कम पैसों में अच्छा बिजनेस है। कहीं जिस तरीके से देखा जाता है कि ई रिक्शा बैटरी से चलता है, तो कहीं इस बार ऐसा तो नहीं है कि सिविल लाइन क्षेत्र की बैटरी डाउन हो जाए? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा, आज दिन तक ही नहीं हुआ ऐसा। सिविल लाइन्स बढ़िया चल रहा है? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। बैटरी डाउन नहीं होगी इस बार? कभी होती है, ठीक है 101 किलोमीटर चल जाती है उससे। मैं सियासी बैटरी की बात कर रहा हूँ। नहीं होगी बिल्कुल। देखिए लोग जिस तरीके से अपना अपना मूड बता रहे हैं और अपनी अपनी बात यहाँ पर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो यहाँ से जो बैटरी के यहाँ पर जो ई रिक्शा के मालिक हैं यहाँ पर उनसे बातचीत करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर बहुत से लोगों को देखते हैं, रोज़गार मुहैया हो रहा है आपके क्षेत्र से? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से रोज़गार मुहैया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। लोगों को फ़ायदा ही होता है इससे, थोड़े से पैसों में उनका रोज़गार बन जाता है। गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिन पहले सब्सिडी भी खूब दी है लोगों को ना, उससे भी बहुत फ़ायदा हुआ है। 20-22 हज़ार रुपये हर जो भी रिक्शा लेने वाला है हर आदमी को दिया। सियासी बैटरी तो डाउन नहीं होगी इस बार? ना ना, सियासी बैटरी कोई डाउन नहीं होगी, सबने अच्छा काम किया है। जो भी यहाँ अभी जो सरकार है उसने भी अच्छा काम किया है, पहले वालों ने भी अच्छा काम किया था, इन्होंने कुछ ज़्यादा अच्छा कर दिया। ज़्यादा अच्छा किया? क्या ज़्यादा अच्छा किया? गरीब आदमियों को सब्सिडी मुहैया करा के रोज़गार से मतलब आसान कर दिया लेना। किसी के पास कम पैसा होता था तो सब्सिडी दे के उनको आसान कर दिया रिक्शा लेना। एक सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, जिस तरीके से जो फ्री राशन की बात की जाए, सिलेंडर की बात की जाए या मुफ्त बिजली की बात की जाए, तो ये लोग जो ये जो योजनाएं चल रही है, क्या इसका लाभ वाकई मिल रहा है लोगों को और इस पर इफेक्ट पड़ेगा चुनाव पर? हाँ, कोई चीज़ अगर उसको कम रेट में मिलती है या मुफ्त में मिलती है तो इसका तो फ़र्क पड़ता ही है। हर आदमी यही चाहेगा कि फ़ायदा हो, क्योंकि अपने यहाँ गरीबी ज़्यादा है तो उनको कुछ भी पैसा बचता है तो वो खुशी हो जाते हैं फिर। बिल्कुल, सरकारी योजनाओं का भी लाभ जो है वो जनता को मिल रहा है, इस तरीके से यहाँ पर जो रिएक्शंस है वो यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक महिला यहाँ पर बैठी है, बहुत देर से इनसे भी हम बात करेंगे। क्या लगता है आपको, जो मुफ्त बिजली मिल रही है, मुफ्त पानी मिल रहा है, मुफ्त राशन मिल रहा है, इसका नहीं मिले राशन कहाँ मिल रहा हमको? अच्छा, राशन नहीं, नहीं मिलता, राशन भी नहीं मिलता यहाँ तक तो। कुछ पानी के तो बिल, बिजली का बिल जिसमें 100 यूनिट कह रहे थे, कुछ भी नहीं आ रहा कम तो। अच्छा, हाँ क्या कम आ रहा, कुछ भी नहीं। राशन तो किसका बताओ आप, ये बताइए। नहीं, राशन कार्ड है मेरे पास, बमश है, जन हाथ आ रहा, सब कुछ है मेरे पास, फिर भी नहीं मिल रहा राशन तो। अच्छा, मिल ही नहीं रहा, जब सब कुछ है मेरे पास फिर भी नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट जी कहती है 1000 रुपये महीने पहुँचा, आज तक तो पहुँचा ही नहीं, अभी तक तो हमारे नाम से आए नहीं है बैंक में कभी।
क्या लगता है क्या है इस बार हसनपुरा की जनता का मूड? हसनपुरा की जनता का मूड बहुत अच्छा है अभी इस टाइम। बैटरी रिक्शा शकील भाई के पास आते सब 10-15 हज़ार रुपये लेके अपना रोजगार चालू कर देते, इससे फ़ायदा ही है हम लोगों को। इसलिए मुफ्त बिजली मुफ्त पानी आपको मिलता है? जी हाँ मिलता है ना, उसके लिए हमने क्या कार्ड बने हुए हैं, जो कार्ड आते हैं ना सरकार की तरफ से, वो कार्ड बने हुए उस पर 100 यूनिट बिजली फ्री है। वो कार्ड लेके जाएंगे तो वो 100 यूनिट बिजली का है, एक आता है गैस का है, अलग अलग चीज़ के 5 कार्ड है। मतलब कैंप में गए थे आप? जी हाँ कैंप में गए थे, तो उसके अंदर से हमें 2 कार्ड मिले, एक तो बिजली वाला मिला है और एक सिलेंडर वाला मिला है। आप गए थे कैंप में? कैंप में गए थे, पर्ची दी है हमें, कार्ड नहीं दिया, खाली पर्ची दी थी हमें, तो पर्ची दी है लिख के 100 यूनिट फ्री आएंगे, है ना, उसमें भी यूनिट फ्री आए नहीं है और राशन राशन तो मिलते नहीं हमको। बिल्कुल, लोग जो है वो अलग अलग यहाँ पर जो अपने राय यहाँ पर दे रहे हैं और सरकारी जो योजना है उनका लाभ किसी को मिल रहा है, किसी को किसी वजह से नहीं मिल पा रहा। क्या लगता है वाकई गरीबों के लिए लगता है कि सरकार काम कर रही है और सिविल लाइन क्षेत्र में भी काम हो रहा है गरीब मजदूर के लिए? बिल्कुल हो रहा सर काम, हर साइड में हो रहा सर काम, काम में कोई शिकायत नहीं। आपके जो विधायक है और मंत्री भी है कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह, क्या वाकई उन बहुत अच्छा काम करवाया साहब उन्होंने हमारी तरफ, शास्त्री नगर के रहने वाले, सेव लाइन डलवा दिया, स्कूल बनवा दिए, डिस्पेंसरी बनवा दी, रोडें डलवा दी, पानी की समस्या दूर करवा दी हमारी, बहुत सा काम बढ़िया करवा दिया उन्होंने। लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि ऐसे कौन से जो काम है जो प्रताप सिंह जी नहीं कर पाए या फिर जो समस्या है क्षेत्र की? नहीं हमारे क्षेत्र की कोई समस्या नहीं, प्रताप सिंह ने जो जो वादे किए थे वो पूरे करे भाई, पट्टों का वादा करा वो पट्टे भी दिलवा दिए, और जो हमारी सिविल लाइन अटक रही थी वो काम भी अभी अजुद्दीन पार्षद के थ्रू हो चुका है काम, और एक डिस्पेंसरी थी हमारे पार्क के अंदर गुजर चौक के अंदर, वो डिस्पेंसरी अब 5-7 दिन में चालू हो जाएगी। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि जब मंत्री बन जाते हैं या फिर विधायक बन जाते हैं तो हमारे बीच में आते नहीं है, क्या आपके बीच में आते हैं मंत्री जी? बिल्कुल आते हैं मंत्री जी, हमारे पास आके चाय की होटल है सियाद भाई की, वहाँ पे चाय वगैरह सब कुछ पीते हैं, और बाकायदा वीडियो भी है मेरे पास उनका, यानी कि एक आम व्यक्ति की तरह बिल्कुल एकदम जी बिल्कुल, जैसे फ्रेंड सर्किल की तरह आते हैं, जो मतलब अपनी बात है उस निडर से मतलब पूरा काम करते हैं। अभी हमारे ऑटो स्टैंड में दिक्कत आ रही थी, भट्टा बस्ती के जो पुलिस वाले कहीं आते थे ऑटो को मतलब भगा देते थे, तो हमने प्रताप सिंह जी को फ़ोन लगाया, फिर उन्होंने इंचार्ज से बात करके अब ऑटो में कोई दिक्कत नहीं आती, वहाँ पर जो स्टैंड है लंकापुरी वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती अब। बिल्कुल, तो लगातार जिस तरीके से जो ई रिक्शा चालक है वो लगातार यही कह रहे हैं कि क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया गया है और जो रोजगार के अवसर है खासकर जो बैटरी रिक्शा से, यहाँ से रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार सिविल लाइंस क्या कहता है और क्या इस जनता का मूड है। अब हम पहुंचे हैं सिविल लाइंस के एक पार्क में, जहां पर लोग हवा सेहत बनाने आते हैं, हवा खाने आते हैं, लेकिन सिविल लाइंस की सेहत किस तरह से बन रही है, बिगड़ रही है, ये जानने के लिए हम यहां पर लोगों के पास पहुंचे हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या है इस बार सियासी हवा और कैसी है सियासी हेल्थ। आपसे जानना चाहेंगे सर, सिविल लाइंस की हेल्थ कैसी है इस बार? सर देखो, मेरे ख्याल से ये है सिस्टम के, अब की बार सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से जनता बदलाव चाहती है, और निश्चित तौर से ये मान लिए कांग्रेस ख़त्म है, यहाँ पे कुछ नहीं किए इन्होंने, जो हमारे सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से विधायक माननीय प्रताप सिंह जी खातरियावास आते हैं, उन्होंने कोई जनता का काम किया नहीं है अपनी जेबें भरने के लिए। सारे नेता एक जैसे हैं, चाहे बीजेपी ले लो, चाहे कांग्रेस ले लो, चाहे आप ले लो, चाहे कोई भी ले लो, बाकी उनके दोनों बड़े भाइयों में आपसी सहमति नहीं है, वो भी अलग पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, और जहाँ तक मेरा विश्वास है कि यहाँ सिविल लाइन विधानसभा से अगर किसी को बंदे को बीजेपी की टिकट मिलेगी वही जीतेगा। क्या काम होने चाहिए थे जो नहीं हुए, आपका नाराजगी क्यों? आपके सामने पार्क में देखिए ना, यहाँ दो होनी चाहिए है क्या? आप पार्क में देख लीजिए ना, ज़्यादा विकास दूर की बात छोड़िए आप, तो यहाँ पार्क का ही विकास देख लीजिए आप, तो कुछ नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, और चिकित्सा के क्षेत्र में देख लीजिए आप, कुछ भी नहीं है। लोगों को फ्री कुछ नहीं चाहिए, आप फ्री मत दो, शिक्षा दो, बेरोजगारी खत्म करो, बस दो चीज़ दे दो आप, तो बहुत ज़्यादा है ये। फ्री का लाभ मिल रहा है, मुफ्त की योजनाएं लाभ मिल रहा है? कोई नहीं सर, जो मिल रहा है उन लोगों को मिल रहा है, हमारे को तो कुछ नहीं मिल रहा सर। आपको कुछ नहीं? नहीं 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 बिल्कुल नहीं। क्या लगता है आपको, क्या डेवलप होना चाहिए था क्षेत्र में? सर क्षेत्र के आप डेवलपमेंट के लिए तो अभी पार्क में बैठे हो आप, सिविल लाइन में, तो पार्क में आप देख रहे हो क्या डेवलपमेंट दिख रहा है आपको? आप खुद जी न्यूज़ से हैं, और जी न्यूज़ कोई छोटा मोटा तो है नहीं,
एक बहुत बड़ा है ये चैनल, तो आप चैनल के माध्यम से आप दिखाइए ना सर, पार्क को दिखाइए, आप जूम करके इधर से दिखाइए अब क्या है। एक बार पार्क भी दिखाएंगे हम और बातचीत भी करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है इस बार क्या कहती है यहाँ की हवा। सर वही है कि जो सर ने कहा है कि जब भाई भाई लड़ रहे हैं तो फिर जनता का विकास कहाँ से होगा, और इसी के लिए है कि बैठो भाई बैठो, तो उसी चीज़ के लिए है कि अब क्या करें। बाकी है ना प्रताप जी, यही है कि हम जैसे अगर भीड़ इकट्ठा करने के लिए सुबह घूमते तो हैं, दौरे पर तो डेली जाते हैं, लेकिन काम कितना होता है वो आप जाके देखो कॉलोनियों में तो पता चले। बाकी है ना जो सर ने कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ी बात तो वो है, फ्री मत दो जनता को, बस फ्री जनता को केवल कॉलोनियों में जाते हैं तो वहाँ किस तरह के डेली करते हैं, वहाँ किस तरह के मुद्दे हैं, समस्या है आपकी? सर पानी है, बिजली है, नल है, आपके क्या कहते हैं सॉरी सड़कें पूरी टूटी पड़ी हैं, आप जाके देखिए गायत्री नगर में, वहाँ पर भी पहले दौरा तो करके गए थे लेकिन अभी तो कोई हुआ नहीं है वहाँ पर कुछ ऐसा। बाकी तो दूर की बात है जी, पार्क कर देख लो ना आप, तो सारी चीज़ बिल्कुल। यहाँ पर जो वरिष्ठ लोग हैं इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर आपसे जानना चाहेंगे कि सिविल लाइन्स VVIP इलाका भी कहा जाता है, क्या लगता है VVIP सुविधाएं यहाँ पर मिल पाती है, बुनियादी सुविधाएं मिल पाती है VVIP? बुनियादी सुविधाएं पूरी आदि जयपुर तो खोद के खोदी हुई पड़ी हुई है, खोद के बिखार देते हैं उसको, वापस बनाते नहीं है। नहीं तो भाई आप गलियां छोड़ो और कुछ खोदो, खोदो खूब खोदो, पर एक बार खोद के उसको बढ़ाओ तो सही है। आम पब्लिक बहुत परेशान है, जगह जगह खड्ढे हो रहे हैं सारे। खड्डों के अलावा, सड़कों के अलावा और क्या मुद्दे हैं? और तो मुद्दे यही महंगाई के मुद्दे हैं यार, और तो क्या क्या बताएं मुद्दे। आपके हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग मुद्दा कौन सा है सिविल लाइंस में इस बार? मेरे हिसाब से तो मुझे तो क्या बताऊं यार, हाँ आपने आपने इतने सालों तक वोट दिया, इतनी पीढ़ियां आपने देखी है, तो आपको थोड़ा अंदाजा तो हो गया होगा। हाँ वो ये बेरोजगारी है, महंगाई है, बस यही बेरोजगारी। ये जिस तरीके से सिविल लाइन्स में जिस तरीके से लोगों की अपनी अपनी राय है और बहुत से लोग यहाँ सर अपनी अपनी राय देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सर आपसे जानना चाहेंगे, आप भी यहाँ पर पार्क में अच्छी सेहत बनाने के लिए आए हो, अच्छी हवा है, सियासी हवा कैसी है यहाँ की सिविल लाइन्स की? सिविल लाइन्स की सियासी हवा तो क्या बताएं सर, मैं कांग्रेस का तो बिल्कुल ही माहौल नहीं है सर, कांग्रेस बिल्कुल माहौल नहीं है, प्रताप जी ने ऐसा कोई विशेष काम करवाया भी नहीं है। क्या लगता है आपको कौन से काम थे जो नहीं हुए? काम तो बेरोजगारी का तो बहुत भयंकर काम था यहाँ, बेरोजगारी का भी है, सड़कों का काम नहीं हुआ, पानी भी टाइम टू टाइम नहीं आता इधर, पानी की बहुत बड़ी समस्या है इधर। सड़कें कुछ बनी हुई है, कुछ नहीं बनी, आधी बन जाती है फिर नहीं होती, पूरा काम प्रॉपर काम पूरा कभी नहीं हुआ। वो खाद्य आपूर्ति मंत्री है और उनके जो जिस तरीके से सरकार है वो मुफ्त की योजनाएं भी चला रही है, मुफ्त का आपको राशन मिल रहा है कि आप तक पहुंच रहा है राशन? नहीं मुफ्त का राशन नहीं मिल रहा हमको, और कोई मतलब भी नहीं था मुफ्त का राशन देने से, इससे बेटर तो और डेवलपमेंट के कार्य होते उन पैसों से, वो ज़्यादा बेटर रहता सर। आपको लगता है कि डेवलपमेंट होना भी जरूरी है सिविल? डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होना जरूरी है अभी, बिना डेवलपमेंट के तो कुछ है नहीं, हो नहीं सकता। सिविल लाइन्स पूरा डेवलप नहीं है अभी भी, VVIP इलाका तो कहलाता है लेकिन डेवलप नहीं है, सिर्फ कागजों में होगा या दुनिया के हिसाब से होगा वैसे नहीं है। तो मंत्री और पूरी सरकार यहीं बैठती है सिविल लाइन्स में? हाँ जी बैठती है, फिर भी डेवलपमेंट नहीं, उनके मोहल्ले में उनके गलियों में उनके घर तक हो सकता है सर, लेकिन अन्यत्र घरों पे तो नहीं है ना, जहाँ पे होना चाहिए मंदिरों का विकास होना चाहिए, मंदिर भी आपको ऐसे वो मिलेंगे, पार्क क्या हालत है आप देख ही रहे हो, यानी कि अपना विकास कर रहे हैं और जनता का विकास नहीं, सिर्फ उनका खुद का विकास, स्वयं का विकास, जनता के लिए कोई विकास नहीं। जनता के लिए हो सकता है 10% के लिए हुआ हो, अपनों के लिए अपने चहतों के लिए हुआ हो, बाकी तो नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। नहीं बिल्कुल, जिस तरीके से लोग जो है वो अपने अपने तरीके से जो राय देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और सबसे जो अहम बात है वो इस पार्क के लिए बता रहे हैं लोग कि पार्कों का विकास यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है और जनता यहाँ पर लगातार जो परेशान है वो पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या कहती है और क्या है इस बार जनता का मूड। राजस्थान में इन दिनों सियासी धुन बज चुकी है और चुनाव नजदीक है, ऐसे में फूलों से जो खुशबू की महक है वो भी कुछ और अधिक बढ़ गई है, क्योंकि राजनेताओं को चुनावी मालाएं पसंद है और इसके साथ साथ मालाओं के साथ साथ जो बुके हैं या तमाम जो गुलदस्ते हैं वो भी राजनेताओं को बहुत पसंद आते हैं। इसलिए हम यहाँ पहुँचे हैं कि सिविल लाइन्स में आखिरकार किस तरह से जनता का मूड है। माता जी आपसे जानना चाहेंगे कसोक चाहे अंडे का मूड,
और कहीं सरकार कुछ कर रही है कहीं? सरकार सही कर रही है भाई, बेडरूम कोई परेशानी को गर्म आने अंदर सही है, रंडे दुकान दी लाओ नहीं लाभ आप मिलोगे कहीं जनता ने खाने का ही मिलोगे मोबाइल मिला मोबाइल मिल गो माने राशन पानी राशन पानी मिलता है राशन भी टाइम पे राशन भी टाइम पर मिलता है फोन मिल गया और सब होता है और दुकान भी यहाँ दिलाएगा और कोई परेशानी नहीं हमारे अब वोट इसको यहाँ देंगे। अच्छा रहा 5 साल का कार्यकाल जो था 5 साल तक का बढ़िया। आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है इस बार खुशबू की महक अभी और बढ़ गई होगी क्योंकि चुनाव नजदीक है आपके? जी सर आगे नजदीक चुनाव और हम तो यही चाहते भाई हमारा कैंडिडेट बढ़िया है यहाँ का। आप ये बताओ कि 4 साल फूलों की महक ज्यादा थी या 1 साल में और बढ़ गई है या 5वें साल अच्छी थी? नहीं नहीं अच्छी निकली है हमारी साल तो ये 5वें साल अच्छी निकल रही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमको और हमारा कैंडिडेट यहाँ का बहुत बढ़िया प्रताप सिंह जी है हमारे यहाँ के बहुत बढ़िया वैसी कोई दिक्कत नहीं है। और सोडाला में विकास हुआ है? हाँ सोडाला में विकास रोडें भी अच्छी हुई है पानी की व्यवस्था भी अच्छी हुई है बीसलपुर का पानी भी आ गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमको वैसे और सरकार ये बहुत अच्छी सरकार है हम तो इसी को चाहते हैं इसी को वोट मिलेगी। क्या लगता है आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो लगता है प्रताप जी फिर से आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे प्रताप जी काम करते हैं प्रताप जी इसलिए बिल्कुल आएंगे। सोडाला में क्या काम हुआ आपके? सोडाले में गलियों के अंदर रोडें बना दी पानी की लाइनें डलवा दी पूरी व्यवस्था करवा दी। वो पीछे जो है वो आप ध्यान से सुन रहे हैं आपको क्या लगता है आपको भी लगता है कुछ? नहीं नहीं वैसी कोई दिक्कत नहीं है हमको सरकार से सरकार बहुत अच्छी है काम भी करवाया रोड का भी करवाया बीसलपुर का पानी भी आया सीवर लाइन का भी काम करवाया और हमको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल लगातार जिस तरीके से सोडाला में क्षेत्र की जनता लोग ये कह रही है कि यहाँ पर जो विकास के काम है वो काफ़ी अच्छे काम हुए हैं और यहाँ पर जो दुकान लगाते हैं जो माली समाज के जो लोग हैं कई दुकानदार यहाँ पर है आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है आपको आपके क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है? अच्छा काम हुआ है क्या प्रताप सिंह जी ने अच्छा काम किया है क्या क्या अच्छे काम किए? हम इधर बैठे हैं यहाँ पे हमारे को उठाने वाले नहीं है कोई परेशान नहीं करता। दुकान बढ़िया चल रही है आपकी पूरे 5 साल बढ़िया कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं। सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? चल रहा है काम मिल रहा है धीरे धीरे मुफ्त राशन मुफ्त बिजली मुफ्त पानी? राशन तो मिल रहा नहीं है मगर लाइट में थोड़े पैसे फ्री कर दिए लाइट में और पानी पानी भी आ रहा है पानी अच्छा आ रहा है। ये देखिए यहाँ जिस तरीके से लगातार जो बिजली पानी है वो आ रहा है भैया आपसे भी जानना चाह रहे क्या लगता है मुस्कुराहट किसकी तरफ है आपकी? सभी की तरफ है बीजेपी या कांग्रेस दोनों अच्छी है अपने दोनों अच्छी है आपकी आपसे फुल मूड में जनता गुलमुंड में किसकी सरकार बनेगी किसकी रही? अभी तो देखो हाल फिलहाल चांस तो कांग्रेस के ही है आपके क्षेत्र में। हाँ वो क्यों? छवि ज़्यादा है क्योंकि काम बहुत अच्छे करवा रहे हैं प्रताप सिंह जी अच्छे काम हो रहे हैं। हाँ बुके भी खूब बिक रहे हैं माला भी खूब बिक रही है। ऐसा तो नहीं कहीं 1 साल या इस 6 महीने में ज़्यादा बुके बिक रहे हो और 4 महीने तक बिल्कुल सुन सपाटा? नहीं नहीं चलता रहता है। सियासी महक का क्या है फूलों से महक तो आ रही है सियासी महक क्या कहती है आप? सियासी महक तो यही कहती है कि प्रताप सिंह जी आए क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। आते हैं वो आम लोगों से मिलते हैं लोगों से मिलते हैं यहाँ जो भी कोई प्रोग्राम होता है सब आते हैं आपसे भी मिले यहाँ पर लोगों से? मैं तो यहाँ पे बहुत कम रहता मतलब आपके लोगों से यहाँ से मिले समाज के लोगों से काफी सबसे मिले हैं सबसे मिलते हैं। दुकानदारी में कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं आपको? नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है बढ़िया अच्छे बैठे हैं। बिल्कुल जनता यहाँ पर जिस तरीके से अपनी अपनी राय यहाँ पर देती हुई दिखा रही है बहुत बुजुर्ग महिला है वो भी यहाँ पर दुकान दे रही है। माता जी किस तरह कैसी चल रही है आपकी दुकान? सही चल रही है सही चल रही है और 5 साल कैसी चली? बढ़िया चली बढ़िया चली। प्रताप सिंह जी ने पूछा यहाँ पर आके लोगों का हालचाल जाना या वोट वोट मांगने आए तभी हालचाल जाना? आए थे दोबारा? नहीं आए नहीं आए तो अच्छा काम हो रहा है क्षेत्र में नहीं आए तो भी अच्छा हो रहा है बढ़िया हो रहा है धंधा पानी एकदम बढ़िया? हाँ बढ़िया। सरकारी योजनाओं का लाभ मिला आपको? सरकारी काम मिला नहीं मिला? हाँ, मिला क्या क्या
सब वही का लोग दे रहे लोग मोबाइल मिला मुफ्त मोबाइल नहीं मिला हमारे और राशन राशन भी मिलता है राशन तो मिलता है। हाँ। तो आपके क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है मतलब सड़कें वगैरह पानी वगैरह सब बढ़िया बिल्कुल जिस तरीके से ये सिविल लाइंस की क्षेत्र की जनता है और इस सिविल लाइंस क्षेत्र में वीवीआईपी इलाका भी है और बहुत सा जो इलाका है वो ऐसा इलाका है जहाँ तक जो लोग हैं जो रोजाना रोजगार की तलाश में निकलते हैं और इसके साथ साथ जो तमाम जो लोग हैं उनका कुछ मिला जुला असर यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल जनता के मूड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।